ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो भी इंतजाम करना है करो, सुबह 9 बजे के हिसाब से सबको टाइम दे दो, अब हल्दी वही होगी। तो ठीक है सुहासिनी जी, अब आप हमें आज्ञा दें, जो भी तय होगा हमें बता देना। जी। सुन बिटिया रानी, तू सुबह आ जाएगी ना भाई की हल्दी पीसने? नहीं, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए मुश्किल तो होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे काम होंगे, पर नानी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगी और सब हो जाएगा। ठीक है, राधे कृष्ण। आओ बेटा। क्या हुआ माँ, क्यों जिद कर रही थी? सबके सामने मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श की बड़ी दादी का बहुत मन था इसलिए। पर बाद में वो मान गई थी ना दादी? हाँ दादी, अगर हम मना भी कर देते ना तो भी उन्हें बुरा नहीं लगता, वो लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम नहीं है। जाओ जाके तैयारी करो, सब लोग सुबह जल्दी निकलना है। कीर्ति दी आप जाइए, जाके आराम कीजिए, तैयारियां मैं देख लूंगी। क्या हुआ, आपको याद नहीं है कल हमारा प्लेन है? ओए बाप रे, कैसे करेंगे? 3 दिन के लिए हमने तो प्लेन मंत्री जी को कमिट कर दिया है, कमिट करके पीछे भी नहीं हट सकते। तो कहो उनसे कि नहीं माँ, एक बार अगर कमिट कर दिया है तो मना कैसे करेंगे? आप जानती हो ना, बुरा मान जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम? हमें नहीं पता, जो करना है वो करो, सुबह जाना है तो जाना है बस। कल सुबह इतनी भगदड़ मची होगी कि कुछ नहीं सूझेगा, इसलिए अभी से सबके लिए सब सेट कर देती हूँ। हुआ कुछ अरेंज? नहीं। फिर? फिर क्या, रेगुलर फ्लाइट से जाएंगे और क्या। पर कार्तिक, टिकट्स कैसे होंगे वो भी इतने सारे? अरे हो गए, थैंक गॉड। पहले इसलिए क्योंकि यहाँ से रोज रोज तो फ्लाइट जाती नहीं, लेकिन कल जा रही है और सारे टिकट्स अवेलेबल थे। कार्तिक, कार्तिक नहीं, नहीं क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं कार्तिक, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक प्रॉब्लम ही तो है, तुम समझ नहीं रहे हो कार्तिक, सब हल्दी के जगमग में होंगे, सब तैयार होके जाएंगे, एयरपोर्ट कोई जाता है ऐसे, हम जोकर लगेंगे, सब लोग हमें ही दिखते रहेंगे, मजाक बन जाएगा फैमिली का। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो फैंसी कपड़े नहीं पहनूंगा, रेगुलर कपड़े पहनूंगा, टी शर्ट और शॉर्ट्स। अच्छा तो ठीक है, मैं भी नाइट सूट पहन के जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम नाइट सूट पहन के मत जाओ, तुम अच्छे से रेडी हो जाना, जब तुम रेडी होती तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कितने चालाक हो ना तुम। देखो ना, वो कहते हैं ना कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, बस ये भी वैसे ही। कैसे? अब देखो ना, लास्ट मिनट हमने टिकट क्यों बुक की? क्यों? ताकि जो स्विट्जरलैंड में आते वक्त जो बात रह गई थी वो पूरी हो जाए। कौन सी बात? अब फ्लाइट में आते वक्त मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था याद है, और तब तुम तो बहुत भाव खा रही थी, बाद में थोड़ा सा करीब आ गए थे हम, और तभी वो एयरहोस्टेस आ गई थी और जाओ यहाँ से, पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं, मुझे बहुत काम है, और परेशान मत करो, जाओ। तो देखो ना, मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरा फेस कितना स्ट्रेस्ड है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, जाके शक्ल देखो अपनी शीशे में, बड़े यार रोमांस करने, देखो कल का दिन जैम बटर चटनी सब पैक है। ओके तो ठीक है, जाता हूँ मैं फिर। जाओ। हम करते हैं, हम अगर सो ही जाते हैं आराम से, तो तुम्हारे बिना कैसे सोऊंगा मैं? अरे गाड़ी पैकिंग करो। अरे होती रहेगी पैकिंग, कितना पैकिंग करो। Hey, you look so lovely. Can I click a selfie? Yes, yes, जी हाँ. Sure, sure. Thank you so much. Excuse me. आप सबके boarding passes. Oh, thank God. Please proceed for security check. चलो. इसे लेके नहीं जा सकते आप लोग? अरे ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते, हम तो कई बार लेके गए। नहीं मैडम,
100 ml से ज्यादा लिक्विड अलाउड नहीं है। नहीं भाई साहब आप समझ नहीं रहे, देखिए हम इतने सारे लोग हैं ना, तो सबका 100 ml मिला के इतना तो हो ही जाएगा। सर वैसे भी ये लिक्विड नहीं सेमी लिक्विड है, ले जाने दीजिए ना प्लीज। देखिए मैडम या तो हम इसे चेक करेंगे या आपको छोड़ के जाना पड़ेगा इसे। अरे ये तो हमारी पूजा की हल्दी है, वहाँ को थे लोग हाथ कैसे लगा सको। बस यही होना बाकी था। आई नो पहले एयरपोर्ट पे सबकी आंखें हम पे थी, अब तो सबकी काम भी हम पे। देखिए भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हल्दी है सिर्फ हल्दी, इसकी क्या जांच करेंगे आप। नहीं मैडम चेक तो करना पड़ेगा, पिछली बार अचार के डिब्बे से बम का मसाला निकला था, वो ले जाने वाली माता जी भी ना आपके जैसे ही अच्छे घर से दिखती थी। अब जानते भी आप किससे बात कर रहे हैं, इस शहर में नाम है हमारा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो हमारा काम है। देखो तो ये कैसी बात कर रहा है। माँ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए प्लीज। देखिए हम भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हम भी बिना वजह के आपको तकलीफ नहीं देंगे। थैंक यू सो मच सर, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। बोलिए। सर अगर बिना आपके हल्दी छुए या मेटल डिटेक्टर से चेक किए मैं ये प्रूव कर दूं कि उसमें कुछ नहीं है तो आपको विश्वास हो जाएगा। पर ये कैसे, आपका मतलब क्या है? एक सेकंड। क्या कहा है मुझे आपको? अलबेली चली चली किस गली, एक अलबेली चली चली किस गली, ओके ओके यू मे गो। चली 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 चाचा चौधरी के बाद एक बस तुम ही हो जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वैसे हमारा प्लान याद है ना तुम्हें, वो फ्लाइट वाला? कौन सा प्लान? हेलो मेरा कोई प्लान नहीं, तुम्हारी ख्याली पुलाव है सब। अरे तो ठीक है ना, मेरे ख्याली पुलाव है पर पकाने में तुम भी तो मदद करोगी ना। यश हम सबकी सीट अलग अलग है। वाह लो जी हो गया श्री गणेश। क्या तुम भूल गई, उस दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। सबकी सीट अलग है, देखो अगर कोई एक्सचेंज करता है तो। वाह मेरे दिमाग में तो पूरी पिक्चर घूम गई। रिल बाय रिल शुक्र है भगवान का, सब कुछ समय पे चल रहा है। एयरपोर्ट से मंदिर दूर भी नहीं है तो हल्दी का मुहूर्त शुरू होने से पहले हम पहुंच जाएंगे। सुहासिनी जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं। मेरी इच्छा के लिए आपने इतना बड़ा फैसला लिया। आपकी इच्छा के साथ साथ बच्चों का भला भी तो हो रहा है कावेरी जी, उन्हें कुलदेवी का आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें जी। उड़ के ना रहा है जहाज, इब तो सब बैठ भी तो गए हैं, फिर जी खड़ा के है। गांव की बस नहीं है जो भर गई तो चलती, जहाँ ऊपर से रुका के है या मैं तेल ना भरवाया के। सुहासिनी जी इस बात का जवाब हम ना ही दे तो अच्छा है, आज शुभ दिन है और हम किसी तरह का मनमुटाव नहीं चाहते। तुम्हारे को भी तो ना चाहिए ऐसी वैसी कोई बात। बहुत खुशी हुई सुन के। अच्छा हुआ भाभी माई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वरना 5 मिनट में तो लड़ाई पक्की थी इनकी। यस कृष्णा जी ने तो बस सुन ली मेरे दिल की। वाह कृष्णा जी आई लव यू, क्या सीट दिलाई आपने, थैंक यू सो मच। अब पूरी फैमिली आगे की सीट पर और हम यहाँ पीछे, अब तो पूरे 1 घंटे की रोमांटिक फिल्म बनाएंगे हम, वो भी यहाँ फ्लाइट में।
पागल हो गए हो तुम खुद? चुप कर और सीट से टिक के बैठे रहो, अपनी पास आना मना है। चलो सीट बेल्ट लगाओ। अरे ऐसी की तैसी सीट बेल्ट क्यों बेगम? एक बात कान खोल कर सुन लो, जितना भी भाव खाना था ना उससे कहीं ज्यादा भाव खा चुके स्विट्जरलैंड से वापसी में। अब सीधी तरह से रोमांस का जवाब रोमांस में देना, नहीं तो तुम जानती नहीं हो मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया ध्यान दें, आप सब अपनी सीट बेल्ट बांध लें, फ्लाइट अभी उड़ने वाली है। हाँ हाँ बेस्ट। Ladies and gentlemen, good morning. This is your captain, Robert, speaking. Good morning, ladies and gentlemen. This is your co-pilot, Peter. We wish you a very happy flight. As of now, we are on time. Bolo Bal Gopal ki. लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया ध्यान दें, थोड़ी ही देर में हम लैंड करने वाले हैं। शुक्र है सब टाइम पे हो गया। अब दूर एयर होस्टेस आ जाएगी। अरे आज कोई हमारे बीच आकर तो दिखा है। अच्छा और क्या बोलोगे? बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। आज कुछ नहीं हो सकता, आज तो सब परफेक्ट होगा, देखना। ये रिश्ता क्या कहलाता है।